तो राजकोट थी महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त थई रह्या छे। राजकोट ना फायर ब्रिगेड ना कर्मचारी ना कौभांड सामे आव्यु छे। आरएमसी मां फायर ब्रिगेड कर्मी नुं कौभांड सामे आव्यु छे। बोगस दस्तावेज थी सरकारी नौकरी मेळवी हती। महत्वनुं छे के आरएमसी ना फायर विभाग मां तेने नौकरी मेळवी हती। 33 वर्ष बाद बोगस सर्टिफिकेट नुं कौभांड सामे आव्यु छे। महत्वनुं छे के बोगस लिविंग सर्टिफिकेट थी तेमने नौकरी मळी हती। तो जे रीते कौभांडनी जाण थता ज फरज मुक्त करवामां आव्या हता। तो फायरमेन भरत मुलियाणा ने फरज मुक्त करवामां आव्या। विजिलन्सनी तपासमां विगतो सामे आवी छे। 33 वर्ष बाद बोगस सर्टिफिकेट नुं कौभांड सामे आव्युं छे। तेमने फरज मुक्त करवामां आव्या छे। बोगस लिविंग सर्टिफिकेट थी तेमने नौकरी मेळवी हती। तो जे रीते आरएमसी मां फायर ब्रिगेड कर्मी नुं कौभांड सामे आव्युं छे, 33 वर्ष बाद तेमने फरज मुक्त करवामां आव्या छे। संवाददाता ध्रुव कुंडेल जोड़ाई गया छे। जी ध्रुव, जे रीते आरएमसी ना फायर विभाग मां तेने बोगस सर्टिफिकेट साथे नौकरी मेळवी हती, फरज मुक्त करवामां आव्या, शुं वधु विगत? दीपिका, कही सकते कि राजकोट महानगर पालिका ना जे फायर ब्रिगेड कर्मी नु कौभांड सामे आव्यु छे। महत्वनु छे के बोगस दस्तावेज रजू करीने तेने 33 वर्ष पहला कही सकते कि नौकरी मेळवी हती। महानगर फायर विभाग मां खोटी रीते तेने जे नौकरी मेळवी हती, त्यारबाद कही सकते कि बे दिवस पहला जे ते व्यक्ति जे छे तेने फरज मुक्त छे ते करवामां आव्या छे। खास करीने जो वात करीए तो भरत भीखूभाई मुलियाणा नामना जे व्यक्ति छे तेने बोगस लिविंग सर्टिफिकेट दर्शावी हतुं 33 वर्ष पहला, अने त्यारबाद तेने नौकरी मेळवी हती। कही सकते कि विजिलेंस की तपास में आज विगतों सामे आवता तेमने फरज मुक्त करवामां आव्या छे। हवे आरएमसी तंत्र कई प्रकार की कार्यवाही करे छे कर्मी विरुद्ध, कही सकते कि आ एक पण एक लोक चर्चा छे। आ प्रकार की जे विगतो छे ते अगाउ पण कही सकते सामे आवी चुकी छे के बोगस दस्तावेज दर्शावीने नौकरी मेळवी आरएमसी ना आ प्रकार नो जे बनाव छे ते पहला पण आवी चुकी छे। पण हवे ज्यारे फरी एक वखत ज्यारे फायर ब्रिगेड ना कर्मी नुं कौभांड सामे आव्युं छे, त्यारे हवे आरएमसी तंत्र तरफथी कई प्रकारनी कार्यवाही थशे એ સૌ કોઈ જોવા માંગે છે। કારણ કે કહી શકાય કે અંબિકા પ્રાથમિક શાળાનું જે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ શંકાસ્પદ હોવાના કારણે આની તપાસ છે તે શરૂ કરવામાં આવી હતી। વિજિલન્સની ટીમે સમગ્ર તપાસ કરી હતી અને તપાસમાં એવી વાત ખુલી હતી કે આજે ભરત ભીખુભાઈ મુલિયાણા છે તેને 33 વર્ષ પહેલા સર્ટિફિકેટ જે ખોટું સર્ટિફિકેટ દર્શાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તે ફરજ ઉપર લાગ્યો હતો। 33 વર્ષ બાદ આ મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે કે આજે દસ્તાવેજ છે તે બોગસ છે। જી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। તો જે રીતે 33 વર્ષ બાદ હવે ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, બોગસ લિવિંગ સર્ટિફિકેટથી તેમણે નોકરી મેળવી હતી, કૌભાંડની જાણ થતાં જ ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। તો ફાયરમેન ભરત મુલિયાણાને ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। વિજિલન્સની તપાસમાં વિગતો સામે આવી છે।